सो हे वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब? होप कि बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज हम लोग आ चुके हैं महिंद्रा शोरूम में, किरण ऑटोमोबाइल्स पटना में। और आज अपने पीछे खड़ी है दी ऑल न्यू 2024 महिंद्रा XUV 3XO। और ये कार जो है ना बहुत ही यूनिक फीचर्स के साथ आती है और बहुत ही यूनिक कलर के साथ है। तो आज हम लोग इस कार को कवर करने जा रहे हैं एंड दिस इज द टॉप मोस्ट वेरियंट ऑफ दिस कार। ये रहने वाला AX7L द लग्जरी लाइन, द टॉप मोस्ट वेरियंट ऑफ दिस कार। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस कार के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बात करते हैं इस प्यारे से कार के बारे में। बट सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग बिहार से हो, पटना से हो, अगर आप लोग को महिंद्रा की कोई सी भी कार चाहिए तो आप लोग यहाँ किरण ऑटोमोबाइल्स में आके अपने कार की टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, बुकिंग करवा सकते हो या फिर परचेज कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ का नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और बात करते हैं कार के फ्रंट लुक के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार के हेडलाइट्स के बारे में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हेडलाइट मिल जाएगा आपको देखने को इस कार में। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का LED लाइट्स मिल जाता है, बिल्कुल मैट्रिक्स के पैटर्न में आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और ये अपना DRL भी रहने वाला है, कनेक्टेड DRLs यहाँ तक आपको कुछ इस तरीके का L शेप में देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें हेडलाइट्स की तो ये प्रोजेक्टर सेटअप रहने वाला है, वाइट LED प्रोजेक्टर सेटअप के साथ इसका हेडलाइट मिलने वाला है। यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिल जाते हैं नीचे में, ये प्रोजेक्टर नहीं रहने वाला, ये नॉर्मल LED रहने वाला है। बट ये अपना फॉग लैंप रहने वाला है, काफ़ी नज़दीक प्रोजेक्शन है दोनों ही लाइट्स का। ये हेडलाइट मिलता है आपको, इसमें हाई बीम और लो बीम दोनों ही देखने को मिल जाएगा। बट ये अपना रहने वाला है फॉग लाइट ऑफ द कार, तो लाइट काफ़ी तगड़ा मिलता है आपको इस कार में। और अगर हम लोग बात करें फ्रंट लुक के बारे में तो कुछ इस तरीके का आपको कनेक्टेड ग्रिल मिलता है, इसमें आपको क्रोम का पैटर्न देखने को मिल जाएगा, महिंद्रा का बड़ा सा लोगो मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलता है, बीच में गोल्डन कलर, काफ़ी प्यारी लगती है गाड़ी की लुक देखने में अगर हम लोग बात करें तो। बाकी यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा मिल जाता है देखने को, और जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर मिलता है आपको इस कार में। तो आपको एज वेल एज रियर के साथ फ्रंट में भी अब कैमरा मिलने लगा है कार में, तो आपको ड्राइविंग करते टाइम या पार्क करते टाइम किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हम लोग इसके बोनेट को ओपन करते हैं एंड एक बार इंजन में दिखाते हैं, बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। हमने कार के बोनेट को ओपन किया, कुछ इस तरीके का इंजन बे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, काफी नीट एंड क्लीन तरीके से यहाँ पे आपको इंजन बे देखने को मिल जाता है। दिस इज द इंजन कवर ऑफ द कार, इसके नीचे इंजन रहने वाला है। दिस इज द एयर फिल्टर ऑफ द कार, हेयर यू गॉट द बैटरी ऑफ द कार। तो ये बैटरी रहने वाला है, Amaron का बैटरी मिलता है, कुछ इस तरीके का साइज है इसका। यहाँ पे आपको फ्यूज बॉक्स देखने को मिल जाएगा एज वेल एज, और बाकी अपना हेडलाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो। एयर इनटेक रहने वाला है यहाँ पे, उसी के साथ यहाँ पे कैथलेटिक कन्वर्टर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। और ये कार रहने वाली है पेट्रोल वेरियंट, ये पेट्रोल वाली कार रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको कूलेंट बॉक्स भी देखने को मिलेगा एज वेल एज वाइपर वॉशर यहाँ पे मिल जाता है, आपको लिक्विड डाल सकते हो यहाँ पे अपने वाइपर को, अपने वाइपर वॉशर के लिए शैम्पू और वाटर भी डाल सकते हो इसमें। बाकी अब हम लोग अगर बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, हम लोग बात करने जा रहे हैं इस कार के इंजन कैपेसिटी के बारे में। तो इंजन आपको यहाँ पे 1197 सीसी का देखने को मिलता है, 1.2 लीटर इंजन के साथ ये कार आती है। वहीं अगर हम लोग बात करें इसके आउटपुट्स के बारे में तो आपको यहाँ पे 128 BHP का आपको यहाँ पे इंजन आउटपुट देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें इसके पावर के बारे में तो 230 Nm का आपको यहाँ पे पावर देखने को मिल जाता है इस कार में। और अब कुछ इस तरीके का आपको मैंने जैसा दिखाया इंजन पे मिलने वाला इस कार का। तो अब हम लोग एक बार बोनेट को बंद करेंगे एंड उसके बाद फिर बात करेंगे कार के इंटीरियर्स के बारे में और बाकी साइड लुक्स के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं कार के साइड लुक की और बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है हमारे आईज पे जो अट्रैक्टिव है वो रहने वाला है कार का अलॉय व्हील। तो कुछ इस तरीके का अलॉय व्हील मिलने वाला है यहाँ पे और मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो ये रहने वाला है अपना अलॉय व्हील और बहुत ही यूनिक और स्लिक डिज़ाइन के साथ ये अलॉय व्हील देखने को मिलता है। डुअल टोन में ये अलॉय व्हील आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का यहाँ पे कॉम्बिनेशन ब्लैक और सिल्वर कलर का आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 5 नट्स आते हैं जो कि सेफ्टी को भी बहुत अच्छे तरीके से देखा गया इस कार में। बाकी यहाँ पे आपको बड़ा सा डिस्प्लेट देखने को मिल जाता है, दिस इज द ब्रेकिंग कैलिपर्स ऑफ दिस कार। और यहाँ पे अगर टायर साइज की अगर एक बार हम लोग बात कर ले तो 215/55 R17 का आपको यहाँ पे टायर साइज देखने को मिल जाता है इस कार में। अब हम लोग यहाँ पे देखें अगर तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको TGDI का बैजिंग देखने को मिलता है। ये कार ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है और TGDI जो है वो स्टैंड करती किस चीज़ के लिए,
TGDI जो है इस कार की टेक्नोलॉजी है और बाकी सब कुछ आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा हो। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके मिरर के बारे में। तो यहाँ पे आपको ऑटो फोल्ड मिरर मिल जाता है कार में, ऑटो फोल्डिंग के साथ आती है, ऑटो फोल्डिंग के फीचर के साथ ही आती है। बाकी यहाँ पे आपको एक कैमरा भी देखने को मिल जाता है जो कि एक बहुत ही हाईलाइटेड फीचर है इस कार की। और इस प्राइस रेंज में और इस सेगमेंट में काफ़ी सारे फीचर्स एड ऑन्स करके इस कार में आती है। तो ये 2024 में कार लॉन्च हुई है, उस हिसाब से इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आपको बहुत ही अपर सेगमेंट्स के कार में देखने को मिलती थी। जैसा कि मैंने बताया कि ये ऑटो फोल्ड के साथ आती है। जैसा कि अभी मैंने कार को लॉक किया तो मिरर भी खुद से लॉक हो गई। अब हम लोग एक बार पीछे की ओर आएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको डोर हैंडल मिलता है। तो हमने बस इजीली डोर को ओपन कर देना है, उसके बाद देखो कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे मैंने अभी डोर को ओपन किया है और कुछ इस तरीके का डोर मिलने वाला है आपको इस कार में। और लेफ्ट साइड के डोर को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको लेदर फिनिश मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लेदर का यहाँ पे आपको पॉलिस्टर देखने को मिलेगा, ब्लैक लेदर है। बाकी व्हाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है, इसको हम लोग टैन कलर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको लेदर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा कुशनिंग देखने को मिलता है, पियानो ब्लैक फिनिश रहने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे आपको आपके ग्लासेस कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ से आप इजीली विंडोज़ को अप और डाउन कर पाओगे। बाकी यहाँ पे आपको एक स्पीकर भी मिल जाता है देखने को और यहाँ से डोर को ओपन कर सकते हो आप लोग। लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको रेड कलर का लाइट मिल जाता है। बाकी उसी के साथ यहाँ आपको डोर पॉकेट भी देखने को मिलेगा, दो बोतल होल्डर भी मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। अब हम लोग एक बार रियर डोर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमने रियर डोर को ओपन किया है और मैं चाहूँगा आपको रियर डोर दिखाना। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी आपको लेदर फिनिश देखने को मिलेगा, सेम टू सेम। और यहाँ पे एक स्पीकर मिल जाता है, दिस इज़ दी विंडो कंट्रोल, विंडो कंट्रोल बटन मिल जाता है, एक बोतल होल्डर पीछे भी मिल जाता है। तो काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं एज़ कम्पेयर टू दी XUV300, जो पुरानी वाली XUV300 थी उसके हिसाब से काफ़ी सारे लेटेस्ट फीचर्स को ऐड ऑन किए गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अपग्रेड भी की गई है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको कार के डोर्स वगैरह को दिखाया, अब हम लोग एक बार कार के पीछे चलेंगे और कवर करते हैं कार के रियर सेक्शन को और इसके लाइट्स वगैरह को दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे लाइट देखने को मिलता है, मिलेगा कनेक्टेड लाइट्स आता है यहाँ पे। कुछ इस तरीके का आपको इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाएगा, हजार लाइट बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको XUV300 का लोगो, महिंद्रा का बड़ा सा लोगो मिल जाता है, डी फॉगर यहाँ पे मिल जाता है देखने को आपको एज बिंग अ टॉप मॉडल कार। और यहाँ पे आपको वाइपर भी मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लाइट मिल जाता है आपको यहाँ पे। बाकी उसके साथ अगर हम लोग यहाँ देखो तो यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ से आप इजीली सिंगल प्रेस में इस बूट को ओपन कर सकते हो, तो सिंपली बस सिंगल प्रेस करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का अच्छा खासा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, बड़ा सा स्पेस मिल जाता है आपको। और कितने लीटर का रहने वाला है ये अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। बाकी ये देखो यहाँ पे आपको एक बेस ट्यूब मिल जाता है, तो म्यूजिक सिस्टम काफ़ी अच्छा रहने वाला है इस कार का। यहाँ पे एक छोटा सा LED वाइट लाइट भी मिल जाता है ताकि रात के टाइम पे आपको किसी तरीके का दिक्कत नहीं हो। और स्प्लिट सीट मिलता है, 60-40 स्प्लिट सीट जैसा फीचर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो स्पेस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको स्पेयर टायर भी मिल जाता है देखने को, बाकी आपके रिंचेस वगैरह यहाँ पे रहने वाले, जैक वगैरह रहने वाला है। तो अब इसको हम लोग बंद करते हैं, देन उसके बाद फिर अब हम लोग चलते हैं कार के इंटीरियर की ओर एंड बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में। सो गाइज, अब मैं आ चुका हूँ कार के अंदर और यहाँ पे मैं बैठ चुका हूँ। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कंफर्ट के बारे में। तो एज बिंग अ 6 feet गाय, मेरे को बहुत अच्छा कंफर्ट मिल रहा है यहाँ पे। मैं 6 feet का हूँ, उसके बावजूद यहाँ पे काफ़ी अच्छा मुझे हेडरूम देखने को मिल जाता है। उसी के साथ अगर हम लोग बात करें नी रूम की, तो नी रूम भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और अगर कुशनिंग की बात करें तो सीट का कुशनिंग काफ़ी अच्छा है, वाइट कलर की लेदर मिल जाती है आपको यहाँ पे और काफ़ी अच्छा आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। तो एक बार मैं चाहूँगा भाई अंदर आए और मैं आपको अच्छे से पूरा इंटीरियर दिखाऊं और सारे फीचर फंक्शंस को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा इसके टोन के बारे में कि क्या आपको किस कलर का इंटीरियर मिलता है। तो यहाँ पे आपको डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिल जाता है, ब्लैक और पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश पूरा ही डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएगा। तो डुअल कलर की डैशबोर्ड आने वाली है, ऊपर में आपको यहाँ पे लेदर फिनिश मिल जाने वाला है ब्लैक कलर की स्टिचिंग के साथ। और ताकि ये प्रीमियम फील आपको दे सके तो काफी प्रीमियम टचिंग फील मिलता है आपको यहाँ पे लेदर के साथ। बाकी यहाँ पे पियानो ब्लैक का आपको फिनिश देखने को मिलता है, यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक का फिनिश कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। अब हम लोग एक बार इसको ऑन करेंगे, तो सिंगल प्रेस में हमने इसको ऑन कर दिया है। अब हम लोग बात करेंगे इसके MID के बारे में, इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, बाकी इंटीरियर में कितनी सारी फीचर्स आती है उन सब चीजों को कवर करने जा रहे हैं।
तो ये मैंने जैसे ही इसको ऑन किया है सिंगल प्रेस में, कुछ इस तरीके से आपको मीटर देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट आपको XUV 700 जैसा देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें आपको फीचर्स काफ़ी सारे मिल जाते हैं, आपको इसमें राइडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं जैसा आपको XUV 700 में देखने को मिलता था, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसमें भी ड्राइविंग मोड्स देखने को मिल जाएंगे। जिप जैप जूम तीन मोड्स आते हैं आपको इस कार में, और उसी के साथ यहाँ पर आपको RPM मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, और मैं कुछ फीचर्स आपको दिखाना चाहूँगा अभी। तो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो MID को। तो ये देखो काफ़ी सारे फंक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको ड्राइव इन्फो में अभी मैं हूँ, यहाँ पे आपको टाइम मिल जाता है, डिस्टेंस मिल जाता है, एवरेज स्पीड देखने को मिलता है, और यहाँ से चाहे तो हम लोग इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आपको ड्राइव इन्फो मिलता है, फ्यूल इन्फो मिलता है, व्हीकल इन्फो मिल जाता है, नेविगेशन जैसे भी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको ड्राइवर असिस्ट एक बहुत बड़ा फीचर मिलता है इस कार में, डिस्प्ले लेआउट मिलता है, सेटिंग्स मिलते हैं, अलर्ट हिस्ट्री मिलते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसा कि मैंने बताया डोर्स वार्निंग वगैरह सब कुछ मिल जाता है कि आपके कौन सी डोर्स कार की ओपन है। बाकी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे माल फंक्शंस भी देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर मीटर रहने वाला है, दिस इज द फ्यूल गेज ऑफ द कार। और यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके इंटरटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो 11 इंचेस का काफ़ी बड़ा काफ़ी स्लीक डिज़ाइन का आपको यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सारे फंक्शंस आते हैं इसमें लोडेड, और यहाँ पे FM और AM जैसे फीचर्स तो हर कार में आती है। बाकी यहाँ पे आपको फ़ोन कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले जैसे फीचर भी मिल जाते हैं, कनेक्टेड फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ से आप चाहो तो नेविगेशन का भी यूज़ कर सकते हो, और आप यहाँ पे चाहो तो सिंगल प्रेस में आप रिवर्स कैमरे को ऑन कर सकते हो और फ्रंट कैमरे को ऑन कर सकते हो, और चाहो तो आप रियर व्यू भी इसमें देख सकते हो, फ्रंट व्यू भी देख पाओगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का बटन मिलता है, सिंगल प्रेस मैंने किया इसको, तो ये देखो तो यहाँ पे आपको रियर व्यू भी देखने को मिल जाता है। बाकी ये 360 डिग्री कैमरा का भी यहाँ पे आप बैठ के यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये देखो तो बाहर का व्यू, ये पीछे का व्यू रहने वाला है, जिस साइड मैं क्लिक करूंगा उस साइड का आपको व्यू देखने को मिल जाएगा, दिस इज द राइट टायर ऑफ द कार। और ये मैंने फ्रंट कैमरा भी ऑन किया है, तो फ्रंट में जो कुछ भी देखने को है वो आपको मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलता है इस कार में, और 3D भी कर सकते हैं इसको, हम लोग बैक देख सकते हैं, लेफ्ट राइट, तो मतलब काफ़ी सारे फीचर्स जैसा कि मैंने बताया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको फ़ोन कनेक्टिविटी भी मिल जाता है। बाकी यहाँ हम लोग नीचे भरेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाएंगे, मेमोरी फंक्शन जैसे चीज़ भी आपको इस कार में देखने को मिलती है। उसी के साथ यहाँ पे आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सॉकेट मिलता है, यहाँ पे USB सॉकेट मिलने वाला है, यहाँ पे आपको वायरलेस फोन चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, दिस इज द गियर लीवर ऑफ द कार। मैंने बताया कि ये एक ऑटोमेटिक कार है, तो यहाँ पे आपको ऑटो गियर मिल जाता है, और यहाँ पे PR&D जैसे काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी आपको, और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार रहने वाला है। तो कुछ इस तरीके का गियर नॉब आता है इस कार में। बाकी अगर हैंड ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक देखने को मिलेगा इस कार में, बस सिंगल प्रेस में आप इसको हैंड ब्रेक को इंगेज कर सकते हो, और ऑटो होल्ड का भी बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस इज द कप होल्डर, बोतल होल्डर भी बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे कुछ इस तरीके का आर्मरेस्ट मिलता है, और उसके नीचे छोटा सा आपको स्पेस मिल जाता है, ग्लोव बॉक्स भी बोल सकते हैं इसको, तो यहाँ पे आप आराम से किसी भी छोटे सामान को कैरी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हम लोग ग्लोव बॉक्स को ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके का ग्लोव बॉक्स में काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और इसमें आपको कूलिंग जैसा फीचर भी देखने को मिलता है। आप AC को ऑन करोगे तो इसमें चाहो तो किसी भी सामान को आराम से चिल करके रख सकते हो, काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाता है आपको यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे अगर सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एयरबैग्स मिल जाते हैं, आपको ए पिलर में, बी पिलर में और सी पिलर में एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, और अपना ड्राइविंग साइड में स्टेयरिंग में एक एयरबैग मिल जाता है, लेफ्ट साइड को पैसेंजर के लिए एक एयरबैग मिल जाता है, फ्रंट में 2 एयरबैग्स, बाकी पिलर्स पे 2 एयरबैग्स, टोटल इस कार में आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे। एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है इस कार में। अब हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का IRVM मिलता है, तो ये IRVM बहुत ही स्लीक और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन में भी आता है, और इसकी खुद की बहुत सारी क्वालिटीज़ है, तो ये ऑटो डिमिंग के साथ आती है। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ इस तरीके का लाइट देखने को मिल जाता है, 2 छोटे छोटे लाइट्स मिलते हैं, बाकी इसका प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छा रहने वाला है यहाँ पे। और यहाँ से कुछ इस तरीके से हम लोग चाहे तो कार के सनरूफ को ऑन कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग इसके रूफ को इसके कवर को ओपन करेंगे, तो ये देखो सनरूफ कवर हटाया हमने, उसके बाद ये कुछ इस तरीके से सनरूफ ओपन हो रही है कार की। और ये टॉप मॉडल है तो इसमें आपको बड़ा सनरूफ देखने को मिलता है, रूफ मिल जाता है, इसको पैनोरामिक सनरूफ बोल सकते हैं।
और कुछ इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो, तो काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे सनरूफ मिल जाता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। प्रीमियम फीलिंग आपको आने वाली है इस कार में, और आपको इसमें काफ़ी सारे फीचर्स जो है हमने बता दिए। अब हम लोग चलते हैं पीछे और बात करते हैं रियर सीट के कम्फर्ट लेवल के बारे में। अभी मैं आ चुका हूँ कार के रियर सीट पर, और काफ़ी अच्छा कम्फर्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग बात करें कम्फर्ट के बारे में, तो काफ़ी अच्छा कुशनिंग है सीट का, लेदर सीट्स मिल जाता है आपको, लेदर अपॉल्स्ट्री सीट मिल जाता है यहाँ पर, और हेडरूम काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। नी रूम की बात करें तो वो भी काफी अच्छा खासा मिल जाता है मुझे। बाकी यहाँ पे आपको रियर पैसेंजर्स के लिए दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे फोन का सॉकेट मिल जाता है, चार्जिंग सॉकेट टाइप सी, और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है आपको। बाकी यहाँ से मैं चाहूँ तो सनरूफ का भी मजा उठा सकता हूँ। यहाँ पे रीडिंग लाइट्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे व्हाइट कलर के। बाकी यहाँ पे आप चाहो तो किसी भी 2 kg के सामान को यहाँ पे कैरी कर सकते हो आराम से। सो गाइज, हमने बात कर ली है सारे ही फीचर फंक्शंस और कंफर्ट लेवल के बारे में, सब कुछ हमने कवर कर लिया। अब बस एक चीज़ रह जा रही है, वो रह जा रही है इस कार की प्राइसिंग। तो मैं एक बार आपको इसके प्राइसिंग बता देता हूँ। तो ये जो वेरिएंट है, ये टॉप मोस्ट वेरिएंट है पेट्रोल में आने वाली, 17L TGDI 80DT रहने वाली है इसकी वेरिएंट। अगर एक शोरूम प्राइस देखें तो यहाँ पे 15,48,000 का एक शोरूम रहने वाला है। वहीं अगर हम लोग ऑन रोड पटना बात करें इस कार का, तो ये कार आपको 18,44,000 समथिंग में देखने को मिल जाएगी। तो 18,45,000 अप्रॉक्स रेट रहने वाला है इस कार का, तो आप चाहो तो ले सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको शोरूम डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, एंड आई होप कि आप लोगों को ये कार अच्छा लगा। और कार को हम लोग सैम्पेन गोल्ड भी बोल सकते हैं या फिर येलो भी बोल सकते हैं। बाकी डुअल टोन कलर रहने वाला ब्लैक और गोल्डन का यहाँ पे आपको मैचिंग देखने को, काफी प्यारी लगती है कार देखने में ओवरऑल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और कार पसंद आई हो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कर देना वीडियो को लाइक, और इसी तरीके की लेटेस्ट ऑटोमोटिव वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक करते जाना। तो चलो करते फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते किसी एक नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।